मरते समय दानवीर करण से भगवान श्री कृष्ण ने क्या पूछा? दोस्तों, सूर्य पुत्र करण महादानी थे, हमेशा अपने दिए हुए वचनों का पालन करते थे। अपने जीवन में सदा ही उन्होंने त्याग किया, उन्होंने हमेशा अपने दोनों हाथों से दान देते गए, लेकिन अधर्म का साथ देने की वजह से कुरुक्षेत्र में उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले भगवान श्री कृष्ण और करण के बीच कुछ ऐसी बातचीत हुई जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आखिर मरते वक्त श्री कृष्ण ने दानवीर करण से क्या पूछा था, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। करण धराशायी होकर जब अंतिम सांस ले रहे थे, तभी अर्जुन करण का अपमान करते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, देखिए माधव, जिस करण के युद्ध और कौशल का आप हमेशा गुणगान करते थे, वो आज मेरे बाणों के आगे टिक नहीं पाया। देखिए वो कैसे मेरे बाणों से घायल होकर मृत्यु के द्वार पर पहुंच चुका है। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन को कहते हैं, पार्थ, तुम्हें भी पता है करण का वध सिर्फ तुमसे नहीं, उसके श्राप और मेरी बुद्धि से भी हुआ है। अगर मैं और पवन पुत्र हनुमान तुम्हारे रथ पर विराजमान नहीं होते तो तुम करण को जीत नहीं पाते। तुम उसके दान देने की आदत को पहचानो और इस विजय को भी उसका दान ही समझो। ये सब सुनकर अर्जुन का अभिमान जाग गया और श्री कृष्ण से कहने लगे कि अगर करण सच में दानवीर होते तो धर्म उनकी रक्षा करता। अर्जुन की ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने एक लीला रचने के बारे में सोचा। वो अर्जुन के साथ ब्राह्मण का भेष बदल कर करण के सामने आ गए। उनको देखते ही करण ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे अंगराज, मैं तो आपके पास दान की आशा से आया था, लेकिन मुझे आपकी ये स्थिति का ज्ञान नहीं था, तो चलिए मैं खाली हाथ ही यहाँ से वापस चला जाता हूँ। करण अपनी अंतिम स्थिति में भी दान देने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने पास पड़े पत्थर से अपने सोने के दांत को तोड़कर ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण देव, अब मेरे पास दान देने के लिए इतना ही है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। करण की दानवीरता को देख अर्जुन की आंखें नम हो गईं। फिर श्री कृष्ण ने कहा, ये दांत खून से लथपथ और अशुद्ध है। इस पर करण ने अपने बाण को चलाया और उससे जल की वर्षा होने लगी। उस पानी से दांतों को धोकर पूरी तरह शुद्ध करके वो ब्राह्मण को अपने स्वर्ण दांतों का दान देते हैं। महादानी के दान वीरता को देख श्री कृष्ण और अर्जुन हैरान रह गए। फिर श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का रूप छोड़कर अपनी असली रूप में आए। भगवान श्री कृष्ण ने करण से कहा, हे महादानी करण, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि तुम किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने दोगे। तुम्हारे जैसा दानी ना आज से पहले कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। तुम्हारे दानों के लिए इस संसार में तुम्हारी कीर्ति सदा अमर रहेगी।